हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फूडी ग्रो में। तो आइए हम बताते हैं एक ग्लास दूध में कैसे बनेगा बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। जी तो सबसे पहले हम जान ले इस मिठाई को बनाने में किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले लेंगे हम दूध पाउडर 200 ग्राम, कटी हुई बादाम 2 से 3 चम्मच, घी 200 ग्राम, फ्रेश दूध 2 से 3 चम्मच, चीनी। तो ये हुआ हमारा सामग्री जिससे हम मिठाई को बना पाएंगे। तो चलिए अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन को करेंगे गरम और फिर उसमें 1.5 कप जैसा डालेंगे पानी। पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी। चीनी को अच्छे तरह से मिलाएंगे जब तक कि चीनी पानी के साथ मिल न जाए। अब आप देख सकते हैं चीनी जो है पानी के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध का जो पाउडर है उसे डालेंगे और मिलाते रहेंगे। जब चाशनी में मिल्क पाउडर एकदम अच्छे से मिल जाएगा तो हम उसमें डालेंगे 200 ग्राम फ्रेश दूध और इसको भी एकदम हल्के हाथों से मिलाते रहेंगे। फ्लेम को एकदम मीडियम रखेंगे। अब आप देख रहे हैं मिल्क पाउडर कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये पैन में चिपके नहीं। और फिर ये जो मिल्क पाउडर और फ्रेश दूध का पेस्ट है इसको अपने हाथों से मिलाते रहेंगे। उसके बाद हम जब ये अच्छे से मिल जाएगा गैस का जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे। और लास्ट में हम 2 चम्मच डालेंगे घी और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम इस मिठाई को करेंगे सेट। तो सबसे पहले लेंगे एक बॉक्स और उसमें लगाएंगे थोड़ी सी घी। फिर ये जो मिठाई है उसको हम इस बॉक्स में अच्छे से फैला कर रखेंगे। फिर ये बॉक्स को हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। A few moments later. अब हमारे 10 मिनट पूरा हुए। अब हम बॉक्स को फ्रीजर से बाहर निकालेंगे और एक प्लेट में इसे डाल देंगे। और फिर चाकू से हम इस मिठाई की अच्छी शेप देंगे। हाँ तो ये फाइनल हुआ, हमारा मिठाई बनकर तैयार हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत ही स्वादिष्ट एवं बहुत ही कम समय में बनी हुई मिठाई आप सब जरूर ट्राई करें। ऐसे ही अच्छी अच्छी स्वीट्स और फूड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।